हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको 19 रोज़ा मुबारक हो। तो माशाल्लाह से कैसे कैसे करके 19 रोज़ा हो चुका है और आज जुमेरात है, तो जुमेरात मुबारक मैं आप सबको दे देती हूँ। और सोची कि फजर का टाइम है तो चूल्हा पोछ कर ही सोऊं, सहरी के बाद का ये क्लिप है। और कल पड़ जाएगा जुमा, जो वो भी मैं आप सबको विश करती हूँ हमेशा। तो आप सब प्लीज़ फ्रेंड मेरे सपोर्ट में रहिए, मुझे थोड़ा और सपोर्ट का ज़रूरत है। जैसे कि आपको बताया गया थंबनेल में पता है कि गुड न्यूज़ क्या है और बैड न्यूज़ तो अभी जगह जगह में चल रहा है, तो यही सब के बारे में डिस्कस करना है थोड़ा बहुत। तो आप लोग मेरे प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहें। तो यहाँ पर सोची पूरा साफ़ कर लूँ, तो चूल्हा वगैरह जो साफ़ हो जाता है ना तो मन हल्का लगता है। और कभी कभी अभी जैसे प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहा है तो थोड़ा तबीयत मेरा गड़बड़ा जाता है, जैसे कि मैं आप सबको बताई, क्योंकि मेरा जरा जरा मैं ना, जैसे कि आज मैं अच्छी हूँ तो कल बुरी हूँ, ऐसे तबीयत हो जाती है, नज़र हो जाती है कभी कभी। तो ये मैंने यहाँ साफ़ कर लिया है, अब चलती हूँ अपने बाकी काम की तरफ तो मेरा परफेक्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत गर्मी हुआ है तो इसलिए बाल मुंह में आ रहा था, तो मैंने हेयर बैंड लगा लिया है और सर में भी बहुत दर्द है, तो ये मैंने एक कीड़ा लाया है। ये लोग अभी खेल रही है तो बैठने के लिए, अपना बर्तन तन धोती हूँ तो नहीं होता है, और ये लोग पहले वाला कीड़ा को जला दिया है, तो अभी ये लेके आई हूँ। और एक कढ़ाई लेके आई हूँ मैं, ये नया कढ़ाई लाई हूँ मैं, तो जो बैठ के मैं सब्जी बैठ के काट रही हूँ। तो आज जैसे कि बना रही हूँ, रात का खाना है तो मैं दिखाती हूँ। तो ये मैं पहले प्याज काट ले रही हूँ छिलके, और जैसे कि बताया मैं एक्स्ट्रा प्याज काटती हूँ, ऑमलेट भी बनाना है मुझे। और रात के आज इसके पापा का फेवरेट है, हम लोग कुद्रुम बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता, पर हम लोग में कुद्रुम बोला जाता है ये वाला, तो इसके पापा को बहुत पसंद है रोटी के साथ, तो मैं यही बना रही हूँ। सिंपल से रात का खाना है और सहरी का वक्त देख लिया जाएगा कुछ भी। फ्रेंड्स, आज एक वीडियो छोड़े हैं आप लोग को, अगर टाइम मिले तो प्लीज़ जाकर देखा कीजिए। माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है और अल्लाह से यही दुआ है सारा माहौल सुधर जाए। तो मैं अभी प्रॉपर वीडियो नहीं बना रही क्योंकि कभी कभी कहीं निकल भी जा रही हूँ सौदा बाजार के लिए, और वो सब का भी वीडियो एक ही बार में, जब पूरा मेरा हो जाएगा उसके बाद में आप सबको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या लाई हूँ, क्या की हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, अल्लाह पाक जितना देगा उतनी में गुजारा करना लाजिम है। जब मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी तो उसके बाद सारे मॉल और शॉपिंग में भी जाऊँगी, आप सबको शेयर करूँगी। और अभी तो सुनने में आ रहा है क्या गुड न्यूज़, तो ये है कि अल्लाह के करम से मेरा सब कुछ हो चुका है, सिर्फ मोनिटाइज होने को बाकी है। मैं कहाँ झगड़ा हो रहा है इसके लिए अभी मोनेटाइजर का अप्लाई बंद है, और ये खुशी की बात है, गुड न्यूज़ है। और दूसरा बैड न्यूज़ ये है कि हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा सब लगा रहा है और ये मना कब अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर आदमी ज़ाहिर सैतानी को नहीं बकस रहा, किसी को नहीं बकस रहा, तो पर ये सब में कहाँ आदमी पीछे रह रहा, ये सब भी बनाना चाहिए, ये सब भी बोलना चाहिए, ये सब भी करना चाहिए। मेरा कहने का यही है, मतलब आप करो, सबका करो, नहीं तो मत करो। फटाफट सब्जी काट लेते हैं आपसे कि बहुत आग जल रहा है मेरा, और मैं यहाँ पर खाना बन चढ़ाई हूँ तो यही दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं आज जो है ये थोड़ा सा आलू फ्राई कर रही हूँ, गोल मिर्च का फक्की देके खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और पट्टी आलू बनाई, आइए आप सब्जी, थोड़ा सा मन मुँह ख़राब हो रहा है इसके लिए। यहाँ पर तो ये माशाल्लाह, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये चटपटा आलू थोड़ा सा बनाई हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है। आपको हल्का आलू बॉईल कर लेना है और उसमें नमक और मिर्च, मतलब नमक डाल के सिर्फ फ्राई करना है आपको, उतार करके काली मिर्च छिड़क के आप खाइए, माशाल्लाह मुँह से नहीं छूटेगा। और धनिया पत्ता का फ्लेवर यम्मी। यहाँ पर मैं वहाँ पर सब्जी चढ़ाती हूँ, खाने के बाद मिलती हूँ। निशा तो यहाँ देखिए, ये लोग सब मिलके चट कर दिया है। यह प्याज पिंक हो चुका है, अब मैं ये कुद्रुम डाल दूंगी। क्या है इसमें बताना है रेसिपी, बस मैं बना रही हूँ, तो चलिए एंजॉय कीजिए आप सब भी। ये सामान भी दिखाई देती आप सबको। तो यहाँ पर चुटकी भर हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, यहाँ काली मिर्च पड़ गई इसमें,
थोड़ा स्वाद के अकॉर्डिंग जीरा और अमचूर भी चाहे तो डाल सकते हैं। सब्जी रेडी हो चुका है और अब चल रही हूँ मैं पराठा बेलने। तो सब्जी भी नहीं ले रही, कल्याण